Hey guys, welcome back to the video. तो भाई आज हम करेंगे तीन अलग अलग ब्रांड के माइलेज के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडियन ऑयल, भारत और आपको यहाँ पे हिंदुस्तान। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन आता कि भाई हमें कौन सा ब्रांड का पेट्रोल डलवाना चाहिए, हिंदुस्तान, इंडियन ऑयल या फिर एचपी का या फिर भारत का। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पेट्रोल आपको डलाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, इसका यूज करूंगा हर अलग अलग ब्रांड का। मैं आपको यहाँ जो ये बॉटल दिया हुआ है इसको 250 ml यहाँ पे फिलअप करूंगा। उसको डायरेक्ट हम कार्बोरेटर में डाल दिए हैं। इसमें ये तेल है लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यहाँ से देख सकते हो बंद कर दिए हैं, यहाँ का यूज करेंगे। और अब बात करो किसका पेट्रोल ज्यादा कलरिंग है, मतलब जिसका पेट्रोल रेड है। तो यहाँ पे देख लो हिंदुस्तान का, ये भारत का, ये इंडियन ऑयल का। अब यहाँ पे जूम करो थोड़ा सा। तो भाई अभी देखो यहाँ से मैंने किलोमीटर तो अभी बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले ये देखो कार्बोरेटर में अभी लगा हुआ है। और अब इसको सेल्फ मारते हैं, इसका हमने ऑटोमेटिक गाड़ी बुझ जा रही है। ये देखो यहाँ पे सुई देखो, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी बुझ जा रही है। ये देखो बुझ जा रही, मतलब कार्बोरेटर में जो भी तेल था वो खत्म हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फिलअप करो ऑयल यहाँ पे दिखाओ, इंडियन का है, इंडियन ऑयल का। अब उसको हम डालते हैं, पहले सबसे पहले इंडियन ऑयल का चेक कर रहे हैं। यहाँ से 250 ml, ये देखो 250 ml आ जाएगा। तो मैं बता दूंगा भाई, और हल्का सा और बस भाई, ये देखो 250 ml हो चुका है। अब इसका इंडियन ऑयल का हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। चलो तो ड्राइविंग पे निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे किलोमीटर पे देखो 22,169, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो 22,169.3, 69.5। तो यहाँ से राइड हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग को इंडियन ऑयल में, जैसा कि आप लोग को पता है इंडियन ऑयल का मैं पेट्रोल डाला हूँ 250 ml, और 250 ml में कितना चलता है उसके बाद उसका 4 गुना करके आपका 1 लीटर में कितना माइलेज कौन सी गाड़ी का कितना देगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई जर्नी काफी लंबी है और हम लोग 50 से 60 के बीच में स्पीड रखेंगे, इससे एक एवरेज स्पीड मिलेगी। और हम लोग करीब दो लोग हैं पीछे, और पीछे दो बाइक है, मतलब 1.5 क्विंटल प्लस इसमें वजन भी है गाड़ी पे हमको लेके। तो देखते हैं कितना माइलेज देगी। आप लोग देख सकते हो हम लोग 22,169.5 पे चालू किए थे, और अभी देख सकते हो 22,176.4 हो गया है। तो करीब कितना हो गया, 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं। और भाई पेट्रोल देखो जितना बचा हुआ, बाकी पाइप में बचा हुआ, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भी सारी चीजें आप जब बंद हो जाए तब दिखाएंगे कि कितना किलोमीटर चला। देख सकते हैं ये यहाँ दिखाओ पेट्रोल, इधर टैंक में भाई सब कुछ खाली हो चुका है, केवल पाइप में जो है वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना किलोमीटर चल चुके हैं, 22,180.3। तो हम लोग चले थे 22,169.5 पे, तो करीब 11 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई थोड़ा सा यहाँ पे इसके पाइप में पेट्रोल बचा है, गाड़ी हल्का हल्का झटका ले रही है। और अभी तो राइडिंग पे जब पूछ जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई गाड़ी पूरी खड़ी हो चुकी है, एक बार इसको न्यूट्रल करते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखो न्यूट्रल हो चुकी है ना, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हम लोग स्टार्ट किए थे इंडियन ऑयल का 22,169.5, और ये चल चुकी कितना, 22,181.7 चल चुकी है। तो मतलब कि 11 और 12 समथिंग, 12 से प्लस का वृद्धि है 250 ml पे, 12 किलोमीटर का। तो मतलब 4 गुना कर दो 1 लीटर पे, तो हो जाएगी भाई 48 point कुछ, मतलब 49 चला जाएगा इसे माइलेज। तो अभी हम लोग भारत का एचपी का भी माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें कितना माइलेज देने वाला है। तो ये देखो पूरा खाली हो जाए, फिर से इसको फिलअप करते हैं एचपी या भारत वाला। आप डाल रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और यहाँ पे 250 ml इसको भी डाल दें, उसको आप लोग को दिखाते हैं क्या होता है। चलो भाई ये जा रहा है पेट्रोल, अभी 150 ml पहुँचा। ये देखो 1 मिनट फोकस करते हैं, हल्का सा और बस। तो भाई एचपी का पेट्रोल डाल दिए हैं, और यहाँ पे किलोमीटर आप लोग नोट कर लो 22,181.7। तो आप चलते हैं, राइड करते हैं आगे। तो भाई लोग हम लोग 22,181.7 से चालू किए थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल का। यहाँ पे देख सकते हो इसमें थोड़ा सा अभी बचा हुआ है पेट्रोल, और अभी कितना चल चुके मीटर पे दिखाते हैं। ये देखो 22,189.2, तो भाई करीब 7 किलोमीटर चल चुकी है, 8 किलोमीटर चल चुकी है, तो पहुंचने वाला 8 किलोमीटर होने वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा पेट्रोल है वो भी देखते हैं कितना भी चलेगी, आप जब गाड़ी बंद हो कितना दिखाते हैं। भाई लोग देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल का ये चेक हो रहा है, आपसे दिखाओ थोड़ा।
ये देखो पिटॉप यहाँ से गायब हो चुका है, पेट्रोल खत्म हो चुका है और यहाँ पे देखोगे 22,193 भी चल चुका है। हम लोग स्टार्ट किए थे 22,181.7, तो हो गया 82.11 का माइलेज दे दी है और फिर देखते हैं अभी कितना माइलेज, मतलब ये झटका लेने वाली है तो भाई देखते हैं, आपसे झटका लेके तुरंत रोक के आपको बता देंगे कितना माइलेज दे रही है। भाई गाड़ी सेल्फ मारने पर स्टार्ट नहीं हो रही है और आप देख सकते हो यहाँ पे 22,193.5 और हिंदुस्तान पेट्रोल माइल का माइलेज टेस्ट करा था, यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। और अब बात करो कितना हम लोग चले थे, 22,181.7, तो करीब समझ लो 22 का 82, तो 11:30 का माइलेज दे रही है 22 ml पे, तो आपको 4 कर दो तो 11:44, 45, 46, 47 का दे रहा, 46 के बीच में। अब चलते हैं भारत पेट्रोलियम माइल का माइलेज टेस्ट करते हैं, उससे पहले अगर यार वीडियो को देखो तो लाइक कर देना, इसी तरह कंटेंट देखने के लिए यार काफी ज्यादा एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में, भाई उसको करते हैं स्टार्ट। तो भाई हम लोग भारत पेट्रोलियम माइल का यहाँ पे देख सकते हो 250 ml डाल दिए हैं, यहाँ पे एक मिनट हाथ हटाओ, ये देखो 250 ml अपना फिलअप हो चुका है। अब इसका आगे माइलेज देखेंगे, दोनों का तो मैंने चेक ही कर दिया, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे मीटर मैं दिखा देता हूँ कितना चला था, 22,193.5। भाई हम लोग चलते हैं आगे, भाई हम लोग भारत पेट्रोलियम का माइलेज टेस्ट कर रहे थे, हम लोग चलते 22,192.5 चले थे, हम लोग चल चुके 22,201.8, तो हम लोग 8 किलोमीटर चल चुके हैं। और यहाँ पे बॉटल पे दिखाओ, बॉटल पे कुछ भी नहीं है, केवल इसके अंदर जो भी है वो सारी चीजें आप लोगों को बची हुई है, क्या नाम है पेट्रोल, आगे देखते हैं कितना माइलेज देती है। ये देखो भारत पेट्रोल 250 ml डाले थे, स्टार्ट होकर वो जा रही है, झटका दे रही थी ये भी, और हम लोग 22,193.5 से चले थे, 22,204.7 चल गई है, तो मतलब 11 का माइलेज दे रही है भारत, हम लोग पेट्रोल भारत वाले पे भी खड़े हैं यहाँ पे, तो सीन तो कुछ अच्छा हो गया, बट वही है 11 का माइलेज दे रही है। आप लोग को फिर से मैं दिखा देता हूँ, तो सब अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो भाई ये था कंक्लूजन, जैसे कि माइलेज टेस्ट पे इंडियन ऑयल तीनों कंपनी का, इंडियन ऑयल का भी, भारत का, एचपी का भी, तो सबसे माइलेज देखोगे तो इंडियन ऑयल का 12 का दिया था 250 ml पे, तो 12 × 48, तो 1 लीटर पे 48 किलोमीटर इंडियन ऑयल दे रही है। और दूसरा फिर हम लोग किए थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो 11 point something दे रहा था, 11.5 का दिया था, तो मतलब 46 का माइलेज वो दे रहा था इंडियन ऑयल 1 लीटर पे, और भारत का तो सबसे कम भाई 11.44 का माइलेज दे रहा है। तो ये था कंक्लूजन इस वीडियो में, भाई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए था, बट यार तीनों का सेपरेट दिखाना पड़ रहा था इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाए किसमें कितना माइलेज है, जो कि मैंने हम लोग को प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाया है यहाँ से, कोई मतलब इसमें वो ही नहीं है कि आप लोग को, हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मैंने दिखाया कार्बोरेटर से जोड़ के, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हो चुकी। तो भाई इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।